मेरे YouTube चैनल बायो कलेक्शन पर। आज हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक्स पढ़ेंगे, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग अंत प्रद्रवी जालिका भी बोलते हैं। इसे इसके एक एक पॉइंट से, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम के एक एक पॉइंट से जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जितने भी जनरल एग्जामिनेशन है या अदर कंपटीशन जो भी है, इसका एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। आइए जानते हैं इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है, कोशिका द्रव्य के मैट्रिक्स में दोहरी झिल्ली से बनी एक चिपटी नलिकाओं का जाल फैला होता है, उसी जाल को हम लोग इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अब दिया है कोशिका द्रव्य, मतलब जो सेल फ्लूइड्स होता है उसका जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस किए थे, उसमें मैट्रिक्स क्या होता है ये डिफाइन किए हैं। वो मैट्रिक्स वाले पार्ट में दोहरी झिल्ली होता है, मतलब डबल मेम्ब्रेन होता है। उसी झिल्ली में एक चपटी नलिका, ये झिल्ली है इसमें एक चपटी नलिका पाया जाता है, एक जाल होता है जो फैला होता है, उसी जाल को हम लोग इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका भी बोला जाता है। दूसरा पॉइंट ये है, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किसने दिया था, रिपोर्ट किसने किया था, टर्म किसने किया था, एक एक चीज हम लोग डिफाइन कर रहा है। इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज पोर्टल एंड थॉम्पसन ने किए थे 1945 में। पोर्टल एंड थॉम्पसन ने किए थे 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, हम लोग इसको शॉर्ट कोट में ईआर भी बोल सकते हैं, ईआर इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका भी बोल सकते हैं, का नाम किसने दिया था, पोर्टल साहब ने दिए थे कब, 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम का टर्म किसने दिया था, पोर्टल ने दिए थे, पोर्टल एंड कालामान ने दिए थे, सॉरी कालमान ने दिए थे, पोर्टल एंड कालमान ने दिए थे। जो इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम का टर्म था, पोर्टल एंड कालमान ने दिए थे कब, 1952 ईस्वी में। इसको रिपोर्ट किसने किया था, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको रिपोर्ट किसने किया था, दो वैज्ञानिक थे, पोर्टल्स क्लाउड एंड फ्यूलाम कब दिए थे, 1945 ईस्वी में। अब आप लोग को ये ध्यान देना है कि इंडो प्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, डिस्कवर्ड बाय पोर्टल एंड थॉम्पसन ने दिए थे 1945 ईस्वी में, और इसका जो रिपोर्ट किए थे पोर्टल्स क्लाउड एंड फ्यूलाम ने 1945 ईस्वी में, इसभी आपका दोनों सेम था, ठीक है। अब दिया है इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जब स्टडी किया गया, देखा गया, अध्ययन किया गया, तो उसमें यूकैरियोटिक सेल ज्यादा पाया गया। जो इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें यूकैरियोटिक सेल्स ज्यादा पाया गया, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा अध्ययन किया गया, तो पता चला इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स बहुत ज्यादा पाया जाता है। आपका क्वेश्चन ये भी पूछेगा, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें प्रेजेंट रहता है, किसमें अब्सेंट रहता है, तो इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, बहुत अच्छा है। इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट रहता है, बट इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोकैरियोटिक सेल्स नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स अब है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक हुआ। प्रोकैरियोटिक सेल हम लोग बैक्टीरिया, मोनेरा, आर्की बैक्टीरिया,
उसमें हम लोग डिफाइन किए थे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। अगर आप लोग यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल नहीं पढ़े हैं तो यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक कहाँ पाया जाता है। तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डबल मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें डबल मतलब दोहरी झिल्ली पाया जाता है जिसको हम लोग ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन डब्ल्यूबीसी, ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, क्योंकि ब्लड्स में हम लोग डिटेल्स में पढ़े हैं कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स क्या होता है। अगर आप लोग ब्लड का टॉपिक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी होता क्या है। डब्ल्यूबीसी को हम लोग व्हाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। किसमें कितना लिम्फोसाइट होता है, किसमें कितना लिम्फोसाइट नहीं होता है, ये ग्रैनुलोसाइट होता है, ग्रैनुलोसाइट होता है, इसको डिटेल में हम लोग ब्लड में डिफाइन किए हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे उसको देख सकते हैं कि ब्लड क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, आरबीसी में नहीं पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे अभी हम बोले कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन किया गया, तो उसमें यूकैरियोटिक जितनी भी सेल थे एक कोश की है, उसका अध्ययन किया गया, उसमें कहीं भी प्रोकैरियोटिक सेल नहीं पाया गया, क्योंकि उसमें प्रोकैरियोटिक सेल अब्सेंट रहता है। अब आपका क्वेश्चन ये पूछ देगा कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक जो सेल होता है वो आपका जंतु कोशिकाओं में एंड प्लांट में भी होता है। आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जंतु में भी पाया जाएगा, एनिमल सेल में भी पाया जाएगा एंड पादप में भी पाया जाएगा। तो जो यूकैरियोटिक सेल है वो प्लांट एंड एनिमल्स में हो गया, अब प्रोकैरियोटिक किस में हुआ, बैक्टीरिया में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो शेप होता है गोलाकार होता है, सिलिंड्रिकल होता है, गोलाकार सिलिंड्रिकल होता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो भी टॉपिक्स है, ये सॉरी टॉपिक्स नहीं, इसका जितना भी पॉइंट्स है एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही अच्छा है। इसीलिए इसका एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिए और पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टू पार्ट्स। पहला पार्ट से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। चिकनी मतलब होता है कोई भी पार्ट हो जो चिकना हो, जिसपे कोई भी चीज फिसल जाए उसको बोलते हैं चिकनी। दूसरा पार्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। खुरदरी मतलब होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पार्ट होता है खुरदरी होता है, मतलब उभरा हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं खुरदरी। अब एक पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये एंडोप्लाज्मिक का फिगर हुआ, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्री राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स आपका यहाँ पाया जाएगा। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच नहीं रहता है, ये फ्री राइबोसोम्स होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला पॉइंट है फ्री राइबोसोम्स। दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसमें विटामिन सी का संश्लेषण किया जाता है। हम लोग विटामिन का जो टॉपिक्स पढ़े थे, विटामिन सी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन सी का कॉमन नेम क्या होता है, हम लोग डिटेल में देखे हैं।
अगर विटामिन सी आप लोग नहीं पढ़े हैं या विटामिन नहीं पढ़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं कि विटामिन है क्या। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में विटामिन सी का संश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में विटामिन ए से रेटिना का निर्माण होता है। रेटिना जो आई में पाया जाता है, रॉड को मतलब रॉड कोन या सॉफ्ट कोन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं रेटिना। आई में प्रेजेंट रहता है रेटिना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड एंड एस्ट्रॉइड हार्मोन भी पाया जाता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स एस्ट्रॉइड हार्मोन भी पाया जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक में लिपिड का संश्लेषण तथा थायराइड हार्मोन भी भाग लेता है। लिपिड जो है, लिपिड का इसमें संश्लेषण होगा, थायराइड हार्मोन भी जो होता है वो भाग लेता है। किसमें? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिक्सिफिकेशन ड्रग्स पाया जाता है, मतलब अविषाणु पदार्थ भी पाया जाता है। इससे क्वेश्चन ये पूछता है, डिक्सिफिकेशन ड्रग्स किसमें पाया जाता है? तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पौधा मतलब प्लांट में स्फेरोजोम का निर्माण होता है। स्फेरोजोम प्लांट जो होता है, पौधा जो होता है, उसमें स्फेरोजोम का निर्माण होता है। क्योंकि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका जो 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट से क्वेश्चन उठाता है आपका। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, जनरल एग्जाम होते हैं, 7 पॉइंट से क्वेश्चन उठाता है। या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जितना भी पॉइंट है, उसका कितना टाइप से क्या है, खोज किसने किया था, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन उठा पूछता है कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। इसका सेकेंड पार्ट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम लोग बोल सकते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। खुरदरी मतलब हुआ उभरा हुआ। मान लीजिए ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका जो पार्ट ये रहता है ना ऐसे, यहाँ मतलब उभरा हुआ है, यहाँ नीचे उभरा हुआ है, इसी को बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसमें जो राइबोसोम्स होता है वो अटैच रहता है। ये जो राइबोसोम्स है इसमें अटैच रहता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स अटैच रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये विभिन्न प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण होता है। जितने भी प्रोटीन संश्लेषण होगा किसमें होगा? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसमें सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसमें ग्लाइकोलेशन की प्रक्रिया होती है। ग्लाइकोलेशन 1 से 2 बनना रफ इंडोप्लाज्मिक में जो ग्लाइकोलेशन की प्रक्रिया होती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है रफ इंडोप्लाज्मिक में प्रोटियोसोम पाया जाता है। रफ इंडोप्लाज्मिक में प्रोटियोसोम की सहायता से जितने भी अनफोल्डिंग प्रोटीन है, अनफोल्डिंग मतलब हुआ घिरा हुआ, जितने भी अनफोल्ड है वो प्रोटीन को नष्ट कर देता है। कौन? प्रोटियोसोम नष्ट कर देता है। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटियोसोम की सहायता से जितनी भी अनफोल्डिंग प्रोटीन है उसको नष्ट कर देता है। आपका क्वेश्चन पूछेगा कि अनफोल्ड प्रोटीन को कौन नष्ट करता है? तो प्रोटियोसोम किसमें आता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब आपका है कि रफ इंडोप्लाज्मिक द्वारा लाइसोसोम में इंजाइम का निर्माण होता है। अब ये चीज देखना है, इसमें इंजाइम का निर्माण हो रहा है और इसमें हार्मोन का निर्माण हो रहा है। रफ इंडोप्लाज्मिक द्वारा लाइसोसोम के एंजाइम का निर्माण किया जाता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा लाइसोसोम के एंजाइम का निर्माण किया जाता है। लाइसोसोम में एंजाइम्स पाया जाता है, तो किसके द्वारा होगा? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होगा।
दिया है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका सिंथेसिस होता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ये हुआ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पॉइंट्स। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, टू पार्ट्स में कौन क्या क्या आता है, हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस किए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।